हेलो, कैसे हो आप सब। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सबके साथ एक अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ और फुल रिव्यू मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। मेरे पास ये है रिंग लाइट, इसके मैं अनबॉक्सिंग करूँगी। और सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद इसको ख़रीदा है मार्केट से या ऑनलाइन, कैसे मैंने लिया ये आपको बताऊँगी। लेकिन कितना में मैंने लिया है और आपको अगर रिंग लाइट खरीद रहे हो तो ये रिंग लाइट आप क्यों ले सकते हो, क्या बेस्ट है, सब कुछ बताऊंगी। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट के लिए, वहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो मुझे फॉलो ज़रूर करें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये रिंग लाइट है, मैं आपको 5 अमेजिंग पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आप इस रिंग लाइट को क्यों ले सकते हैं और नॉर्मल रिंग लाइट में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए नंबर 1 पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये रिंग लाइट आपको सबसे बेस्ट बात तो ये है कि ये आपको टच पॉइंट के साथ मिल जाता है, यानी कि टच पैड के साथ में आपको ये रिंग लाइट मिल जाता है। नंबर 2, इसके साथ आपको रिमोट मिलता है। जी हाँ, जैसे आज का नया ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे टाइम चेंज होते जा रहा है वैसे हमें चीज़ें भी चेंज करनी चाहिए और टाइम के साथ ही चलना चाहिए। तो ये टच के साथ आपको बहुत अमेजिंग, आप इसके साथ अपने वीडियो शूट कर सकते हो। और नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो ये इस रिंग लाइट में आपको 3 कलर मिलते हैं। जी हाँ, 3-in-1 ये रिंग लाइट है। इस रिंग की जो लाइट है ना वो 3 कलर में होती है, तो कौन कौन सी लाइट है, कौन कौन सी कलर आती है वो भी हम चेक करेंगे, देखेंगे। और नंबर 4 ये है कि इसमें एक साथ में आप 3 फ़ोन लगा करके अपने वीडियो शूट कर सकते हो, 3 अलग अलग एंगल से आप वीडियोस को शूट कर सकते हो। उसके लिए आपको 3 रिंग लाइट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, एक ही रिंग लाइट में आप 3 अलग अलग एंगल में शूट कर सकते हो। और नंबर 5 कि ये सबसे बेस्ट रिंग लाइट है। तो चलिए पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स है मेरे पास ये रिंग लाइट का, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। और मॉडल में ही आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे बॉक्स पे कि आपको यहाँ पे 3 फ़ोन का स्टैंड मिल रहा है, चाहे शूट कर सकते हैं यहाँ पे लगा करके। और ये 18 इंच की बड़ी वाली रिंग है, इससे मतलब छोटा सा रिंग लाइट नहीं है, बहुत बड़ा रिंग लाइट है। और इसके साथ में आपको मिलता है यहाँ पे, ये देखिए इसका स्टैंड मिलता है, देख सकते हैं आप, 9 फिट। जी हाँ, बहुत बड़ा हो जाता है हाइट, मुझे नहीं लगता कि 9 फिट के लोग भी जल्दी होते हैं इंडिया में। तो 9 फिट इतना बड़ा आपका, मतलब पूरा आपका रूम जो होगा ना, स्टूडियो पूरा ऊपर तक हाइट कवर करेगा, ये 9 फिट तक ये कवर करने वाला है। और बहुत हेवी है, काफ़ी हेवी है, वेट है इसमें। तो इसको अनबॉक्स करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिंग लाइट अनबॉक्स करती हूँ, ये देखिए। ओके, चलिए ये सारा हमारा बॉक्स खाली हो गया। तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा रिंग लाइट आ गया है, ये देखिए कितना बड़ा हैवी रिंग लाइट है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इसके साथ आपको यहाँ पे टच, ये इसी की मैं बात कर रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टच पैड मिल रहा है आपको यहाँ पे, जहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इधर सारे स्विचेस हैं, ऑन ऑफ सब कर सकते हैं, इसकी लाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके पॉइंट्स है जहाँ पे आप 3 फ़ोन के स्टैंड आप लगाओगे और DSLR या फ़ोन जो भी है आप उससे शूट कर सकते हो। तो चलिए और एक बॉक्स, अच्छा मैंने ये देखिए, ये एक बॉक्स इसके साथ में मिलता है, इसके साथ में बहुत सारे अटैचमेंट्स मिलते हैं आपको, ये देखिए इसके साथ। प्लस ये रिमोट की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे आपको रिमोट मिल जाता है। और इसमें आपको कुछ इस तरीके की जो बैटरीज आती है वो अलग से लेनी होगी, ये देख सकते हैं आप, इसके साथ बैटरीज आती है वो लेनी है और आपने 2 सेल इसमें डालना है। ओके, चलिए। और इसके साथ ये आपको एडाप्टर मिल जाता है जिससे आप इसकी लाइट ऑन करते हैं, और काफ़ी हेवी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आपने रिंग लाइट में किया और यहाँ इसको आपने बोर्ड में लगाया और आपने इसको लाइट दे दिया। तो सबसे पहले इसकी वायर की लेंथ देख लेते हैं कितनी है, ये देखिए मुझे लगता है ये 2 मीटर वायर है इसकी, यहाँ भी इसको फोल्ड कर रखा है तो इजीली थोड़ा सा आपके घर में जो भी आपका इलेक्ट्रिक का बोर्ड है वो अगर दूर भी है तो आप इजीली कर सकते हैं। ये देखिए 2 मीटर इसकी वायर की लेंथ है, देख सकते हैं। तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं। और इसके अलावा ये 3 फ़ोन का आपको होल्डर मिल जाता है इसमें,
आज के टाइम में फ़ोन से ज़्यादा लोग शूट करते हैं, क्योंकि फ़ोन में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आ गई, इतने अच्छे कैमरे आ गए हैं कि DSLR बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तीन फ़ोन का होल्डर मिल जाता है, प्लस इसके साथ में आपको अटैचमेंट मिल जाते हैं। इसको आप यहाँ पे अटैच करोगे रिंग लाइट के में और ये आपका जाएगा नीचे का, जो ये है वो जाएगा स्टैंड में। और प्लस आपको तीन फ़ोन को यहाँ पे अटैच करने के लिए इसके साथ ये अटैचमेंट मिल जाता है। इसको आपने यहाँ पे करके लगाया और फिर आपका ये सेट होगा। मैं आपको सेट करके भी दिखाऊंगी। प्लस ये मिल जाता है कीज़ आपको और यहाँ से आप अपने हिसाब से मूव भी कर सकते हैं। तो चलिए अब ये हो गया हमारा रिंग लाइट, अब इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्स। इसके जो स्टैंड है उसको अनबॉक्स कर लेते हैं। मैं साइड में पहले इसको हटा देती हूँ। चलिए, और प्लस हमारा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। एंड ये देखिए हमारा निकल रहा है यहाँ पे। बॉक्स दिखा देती हूँ मैं आपको एक बारी। ये देखिए बॉक्स पे सब कुछ मेंशन है, ये देख सकते हैं आप, मेड इन इंडिया भी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड हाइट बहुत ज़्यादा है, 9 फिट तक ये आपका जाने वाला है एंड बहुत ही हेवी है, ये देख सकते हैं आप पूरा, देखिए कितना हेवी है। और यहाँ पर आपको तीन पॉइंट मिल जाते हैं जिससे आप हाइट इसकी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए इसको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, हालांकि मैंने फ्रेम सेट कर रखा है तो उसी फ्रेम के बीच में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये हमने खींच ला, ये देखिए ये हमने यहाँ से ओपन किया एंड ये देखिए ये कम ज़्यादा आपका होने लगेगा यहाँ से, ये देख सकते हैं आप इजीली। ये देखिए कुछ इस तरीके से, कोशिश पूरी है कि आपको एक फ्रेम के अंदर ही दिखाऊं। 9 फीट हाइट बता रही हूँ तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी हाइट है। एंड हमने यहाँ से इसको किया, ये देखिए पहले तो इसको कम कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे ओपन किया एंड प्लस ये वाली जब मैं खोलूँगी, ये देखिए कितनी बड़ी है, ये पूरी 9 फीट जाती है रिंग लगाने का। और अब चलिए, होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लग रही हो, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर दें। और ये वीडियो कैसा लग रहा है आप सबको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टैंड को सेट कर लेते हैं, रिंग लाइट को कैसे सेट करना है। सबसे पहले आपने रिंग लिया, ये जो आपको अटैचमेंट मिलेगा आपने इसका पूरा बिल्कुल, ये देखिए जितने इसमें हैं उतने इसमें आपने बिल्कुल देख करके आराम से इसमें अटैच कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल इजी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और प्लस आपने ये वाला जो है ना, ये जो कीज़ होती है इसको आपने निकालना है। अब देखिए इस कीज़ को हमने यहाँ पे डाल अंदर हमने सेट कर देना है। देखिए पूरा यहाँ तक आ गया, आप देख सकते हैं कीज़ हमने पूरी घुमा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्पेस है इसकी स्क्रू के लिए। तो इधर हम इसको यहाँ पे बिल्कुल टाइट कर देंगे अच्छे से, ये हो गया। अब आता है टाइम इसका फ़ोन माउंट का, होल्डर का। हमने यहाँ से थोड़ा सा घुमाना है, ये लूज़ हो जाएगा। इसको अच्छे से लेकर, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा लेकर आपने प्रेस करना है। ये देखिए ये हो गया, फिर इसको टाइट कर देना है आपने, ठीक है। फिर बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, यहाँ से आपने खोलना है इसको और फिर इसको लेकर के थोड़ा सा प्रेस करना है आपने ऐसे, और फिर इसको टाइट कर देना है। तीनों हम वैसे ही कर देते हैं, मैं हालांकि मुझे आप सबको दिखाना है तो तीनों तो दिखाना ही पड़ेगा, तीनों इसको सेट करके। तो ये देखिए हो गया मेरा, अब ये सेट हो गया है। अब क्या करते हैं, रिंग लाइट को हम, बहुत ज़्यादा हाइट हो गया है इसकी तो पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं। अपना स्टैंड नीचे कर लिया है और इसको अब मैं इसमें सेट कर देती हूँ और यहाँ जो स्क्रू है इसको हमने टाइट करना है बिल्कुल। ये देखिए हमारा टाइट हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ, इस फ़ोन होल्डर को यहाँ पे इस तरीके से हमने घुमा देना है और ये बिल्कुल टाइट हो गया। सेम प्रोसेस करते हुए हमने तीनों लगाना है। हमारा ये तीनों लग करके फ़ोन माउंट रेडी हो गया है। टाइट करना होता है तो ये मैंने बिल्कुल यहाँ की कीज़ से टाइट कर दिया है। और इसमें मैं एक फ़ोन आपको लगा करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए फ़ोन मैंने यहाँ पे फ़ोन लगा दिया है। तो कुछ इसी तरीके से आप भी अपनी वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हैं। तीन एंगल से आपने शूट करना है, तीन एंगल से एक ही ट्राइपॉड में
सॉरी एक ही रिंग लाइट में आप लगा करके बना सकते हैं अपने वीडियो। अब तक आप 2-3 रिंग लाइट लेते थे, कभी वाइट के लिए, कभी वार्म वाइट के लिए, कभी कूल वाइट के लिए, लेकिन आपको इस रिंग लाइट में 3 कलर मिलेंगे। वार्म वाइट पे बनाना है वार्म वाइट पे बना सकते हैं, वाइट पे बनाना है वाइट पे बना सकते हैं, कूल वाइट पे बनाना है कूल वाइट पे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसको मैं वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल पीछे इसके दिया हुआ है, और ये इसको बोर्ड में लगा लेते हैं अपने। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास रिमोट है, रिमोट भी दिखाऊंगी। सबसे पहले तो टच पैड दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको, देखिए कितना मतलब है ना अमेजिंग, ये देखिए। एंड अब देखिए कुछ डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा कि रिंग लाइट की लाइट से कितना इफ़ेक्ट आता है, कितना अच्छा वीडियो बनता है। और आजकल हर जगह पे वीडियोस बन रहे हैं, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम के रील्स हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, हर जगह पे बन रहा है। तो अभी इसके कलर्स चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो प्लस और माइनस करते पहले प्लस करती हूँ मैं। देखिए शायद आपको पता चल रहा हो, एक बार मैं माइनस करके आपको बताती हूँ, देखिए। और टच काफ़ी स्मूद है, बहुत ज़्यादा स्मूद है, बिल्कुल ज़रा सा आपने टच करना है, ये नहीं कि बटन जैसे आपने ले करके ज़ोर ज़ोर से प्रेस करना, वैसे बिल्कुल नहीं, हल्का सा आपको बिल्कुल टच करना है, ये देखिए हल्का सा ज़रा सा आपने टच करना है, ये देखिए ये हो गया। और अब एक बार इसकी बढ़ा करके इसकी लाइट आपको और प्लस करती हूँ, देखिए हो गया। अभी इसकी कलर चेंज करते हैं ना, अब रिमोट से चेंज करते हैं। इसमें हालांकि मैंने आपको दिखाया मैंने सेल डाल दिया है, सेल आपको अलग से लेना होगा, इसके साथ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप देखिए रिमोट के कुछ यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये सब तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या करती हूँ इसको देखिए चेंज हो गया कलर, अभी बिल्कुल वार्म वाइट हो गया, बिल्कुल डार्क शेड में वार्म वाइट हो गया। अभी इसको हल्का करते हैं, ये देखिए रिमोट से भी आप जैसे जैसे करेंगे, जिस तरीके का आपको लाइट की रिक्वायरमेंट है ना, उस तरीके की लाइट आप इसमें कर सकते हैं, ये देखिए। अभी देखिए दूसरा बटन मैं दबा रही हूँ, आपको क्लियर पता चल रहा होगा लाइट चेंज हो रही है, ठीक है। अभी क्या करते हैं इसको एक बारी ऑफ करती हूँ मैं, हो गया ठीक है। अभी इसको एक बारी ऑन करते हैं, तो है ना मतलब अमेजिंग, बिल्कुल अमेजिंग, जितने भी इसमें बटन्स हैं ना आप इसको कर सकते हैं। एंड वोल्टेज की बात करें तो ये रिंग लाइट आपको 65 यानी कि 65 वाट की लाइट होती है, और ये 18 इंच की बड़ी रिंग लाइट है। तो क्यों ना आप ले, तो एक अच्छा रिंग लाइट आप ले करके अपने स्टूडियो में रखें, अपने घर में रखें, जहाँ पे आप अपने वीडियोस शूट कर सकते हैं। इससे आपको लाइट की बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छे से आप अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। तो चलिए आपको प्राइस बता देती हूँ। तो अभी फाइनल वाला जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैं सारे रूम के लाइट्स ऑफ करके रिंग लाइट से शूट करके दिखा रही हूँ, ताकि आप क्लियर आपको पता चल सके कि कितना लाइट है और कैसे आपके वीडियोस की क्वालिटी आती है। और प्राइस मैं आपको बताने वाली थी, प्राइस मैंने नहीं बताया आपको, प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। इसको मैंने 2500 रुपये में लिया है, और ये मैंने ऑनलाइन नहीं बल्कि मार्केट में जाकर के लिया। आप सबको पता है मैं कुछ भी लेती हूँ अपने लिए तो बहुत पहले तो ऑनलाइन भी मैं सर्च करती हूँ, उसके प्राइजेस देखती हूँ, क्वालिटी देखती हूँ और फीचर्स देखती हूँ, उसके बाद मैं मार्केट में जाती हूँ और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा घूमती हूँ, फिर मैं सब जगह प्राइस देखती हूँ, जहाँ पे मुझे सस्ता लगता है वहाँ से मैं ले लेती हूँ। क्योंकि अगर आपको सेम चीज़ कहीं 2500 में मिल रही है और कहीं 3000 का मिल रही है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप 3000 का लेना पसंद करोगे, सेम चीज़ सेम क्वालिटी में आप 2500 का ही लोगे। तो इसीलिए मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि आप भी शॉपिंग करें तो पहले ऑनलाइन सर्च कर लें, मार्केट में देख लें, जहाँ आपको सस्ता लगे, वैरायटी कलेक्शन आपको अच्छी मिले, वहाँ से आप ले। टोटल अगर मैं इसका रिव्यू दूँ आपको तो बहुत ही बेस्ट रिंग लाइट है आपको, मतलब अगर आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के मंगाते हो ना, जैसे डिजिटेक हो गया, सिंपैक्स हो गया, जो आपको 4-5 हज़ार का मिलता है रिंग लाइट, और वो भी आपको टच पैड मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा उसमें ऑप्शंस आते हैं, दो फोन होल्डर वाले ज़्यादातर आते हैं, लेकिन ये वाला 3 फोन होल्डर के साथ में टच पैड के साथ में सिर्फ 2500 रुपये में प्लस आपको रिमोट मिलता है, बेस्ट है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। और हाँ एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, मैं जितने भी अनबॉक्सिंग के वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, आप सब बोलती हो कि लिंक दे दो बाई का, मुझे भी ये परचेज़ करना है, तो ये मैंने बताया आपको मार्केट से मैंने लिया है, तो मैं आपको जहाँ जिस शॉप से मैंने लिया है उस शॉप का मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करके वहाँ से कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे आपसे जल्दी एक नई जगह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।